everyone, this is Urvashi. Now we will do pedagogy of economics. Now we will continue our previous topic, which is instructional aid. Instructional aids जो होती हैं, क्या होती हैं हमारी जो teachers को help करती है while teaching. ठीक है, जैसे हो गए हमारे charts, maps, हमारी हो गए हैं graphs हो गए, tables हो गई, ठीक है, film strips हो गई, जो teachers को help करती हैं उनका उनको पढ़ाने में. ठीक है, तो हमने लास्ट अपने टॉपिक में किया था अबाउट द चार्ट. हमने पढ़ा था कि चार्ट्स के क्या यूजेस होते हैं, उनको कैसे वो चार्ट्स जो हैं हेल्पफुल रहती है, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए व्हाइल मेकिंग अ चार्ट. ठीक है, आज हम लोग करेंगे अपना नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है मैप. कि व्हाट इज मैप. मैप आप लोगों को पता होगा बेसिकली क्या होता है सभी को. मैप में क्या होता है, आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन पता चलती है. आप लोगों ने स्टार्टिंग से ही अपने जब आप स्कूलिंग की होगी तो आप लोगों ने मैप्स बनाए होंगे. ठीक है, कि आपने इंडिया के मैप्स में अपनी अलग अलग स्टेट्स को देखा होगा कि कहाँ जम्मू कश्मीर का है, उत्तराखंड कहाँ है, हरियाणा कहाँ है, पंजाब कहाँ है, या तमिलनाडु कहाँ है, श्रीलंका कहाँ है. ठीक है, तो इंडिया के मैप, उसके बाद आपने कंट्रीज के, ठीक है, या फिर रिवर्स के मैप, जो एक पर्टिकुलर लोकेशन आप लोगों को बताता है वो क्या होता है हमारा मैप. आजकल सभी के पास जैसे स्मार्टफोन्स हैं, ठीक है, आप अपना लोकेशन डाल देते हैं उस पर कि हमने यहाँ जाना है, या फिर हमें कोई पर्टिकुलर एरिया का जो भी आपका जहाँ भी जाना होता है, अदर स्टेट में जाना हो या जहाँ आप रह रहे हो उसी सिटी में ही किसी जगह जाना हो तो आप वो मेंशन कर देते हैं, तो उसके साथ आपका कनेक्ट हो जाता है थ्रू इंटरनेट कि आपको लोकेशन एक प्रॉपर एक जो एग्जैक्ट लोकेशन आपने डाली होती है वहीं आप लोग पहुंच जाते हैं. ठीक है, तो मैप जो है बहुत ही यूजफुल होता है आजकल के टाइम में. आजकल का कह लो या फिर पहले भी जो मैप्स होते थे उनके थ्रू ही एक एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाया जाता, हमें पता चलता था कि ये हमारी कंट्री है, दूसरी कंट्री ये है. थ्रू मैप ही हम लोगों ने ये सब चीजें जानी है. मैप आर द सोर्स ऑफ मैनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. इससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है. दीज इंक्लूड फिजिकल फीचर्स, नेचुरल रिसोर्सेज, इकोनॉमिक प्रोडक्ट, पॉलिटिकल डाटा, या फिर क्लाइमेट डिवीजन की कैसे क्लाइमेट कहाँ पे अकॉर्डिंग टू मैप ही कई बार हम देखते हैं कि कैसा क्लाइमेट है कहाँ का, कौन से कंट्री का है, कौन से स्टेट का कैसा क्लाइमेट है. ठीक है, तो ये जो मैप होता है हमारा बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है, इन बहुत सारी सिचुएशंस में हमें हेल्प करता है. ठीक है, आगे हम लोग करते हैं यूजेस ऑफ मैप. यूजेस या फिर उसके फंक्शंस कह सकते हैं हम मैप के, क्या होते हैं फंक्शंस ऑफ मैप. यूजेस और मैप के फंक्शंस क्या होते हैं. नंबर वन इज हेल्पफुल इन मेकिंग लेसन इंटरेस्टिंग. हेल्पफुल इन मेकिंग लेसन इंटरेस्टिंग, आपको लेसन को कह सकते हैं लेसन को इंटरेस्टिंग बनाते हैं. अगर मैप, जैसे मान लीजिए आप अपने स्टेट्स के बारे रिलेटेड आपका कोई टॉपिक है, ठीक है, आपका नया चैप्टर शुरू हुआ, वो स्टेट्स से रिलेटेड है, स्टेट से या क्लाइमेट से या फिर नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड है, तो उसमें अगर मैप के थ्रू आपको समझाया जाए तो आप इंटरेस्टिंगली उसको सुनते हैं, समझते हैं. उसके पिक्चर्स देख देख के, मैप्स में आपको टीचर्स आपकी पिक्चर्स दिखाती है कि यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज जो है यहाँ पे जैसे मैप के थ्रू आपको बताते हैं यहाँ पे पेट्रोलियम ज्यादा होता है, यहाँ कोल ज्यादा होता है, यहाँ की जो सॉयल होती है रेड सॉयल यहाँ होती है, ब्लैक सॉयल यहाँ होती है, तो आपको याद करने में वो ज्यादा इजी हो जाता है. ठीक है, आपका जो क्लास में टॉपिक चल रहा है वो भी इंटरेस्टिंगली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सुनते हैं और समझते हैं. नेक्स्ट है हमारा अप्रोप्रिएट नॉलेज. एक पर्टिकुलर अप्रोप्रिएट नॉलेज मिलती है, एकदम एग्जैक्ट नॉलेज कह सकते हैं आप लोग, कि आपको मैप के थ्रू मिलती है कि कौन सी सिटी में क्या चीज अवेलेबल है या क्या चीज आपको इजली कहाँ मिल सकती है. लोकेशन आपको एक परफेक्ट एग्जैक्टली कह सकते हैं, एकदम परफेक्ट आप लोगों को नॉलेज जो है वो मिलती है. नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड पॉइंट जो है वेरियस एक्सपीरियंस, मतलब कि आपका जो एक्सपीरियंस होता है बहुत ही अच्छा रहता है इसके थ्रू.
ठीक है, आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, तो हमेशा जो भी आप एक्सपीरियंस करते हैं वो अपने शेयर करते हैं या फिर आपको अच्छे एक्सपीरियंस रहता है आप लोगों का। नेक्स्ट है वैलिड डाटा, वैलिड डाटा कि आपका जो डाटा है वो एग्जैक्ट आप लोगों को मिलता है किसी भी चीज का, कि नेचुरल रिसोर्सेज मान लीजिए कहाँ पे हैं, ठीक है, या फिर कहाँ पे एग्जैक्ट प्रॉपर डाटा आप लोगों को हर चीज का थ्रू मैप है जो मिलता है। नेक्स्ट है हमारा अटेनिंग नॉलेज, नॉलेज को अटेन करते हैं जो हमारे मैप्स हैं, अटेनिंग नॉलेज, नॉलेज को प्रॉपर एक अटेन करता है, नॉलेज जो है प्रॉपर मिलती है। एंड सिक्स्थ वन इज इंट्रिकेट नॉलेज बिकम्स सिंपल, कई बार क्या होता है नॉलेज जो है सिंपल भी होती है, कई बार क्या रहता है कि कुछ आप लोगों को टफ लगता है कि कैसे होगा ये समझ नहीं आता, बट थ्रू मैप्स जो है आपको सिंपली समझ आ जाता है। कोई आपको मान लीजिए बताता है कि अगर आपने नेक्स्ट स्टेट पे जाना है, आपने हरियाणा से पंजाब पे जाना, तो आप इधर से जाना ऐसे जाना, तो वो कई बार कंफ्यूज हो जाता है कोई भी पर्सन है, बट थ्रू मैप अगर आप अपने फोन में कनेक्ट करते हैं नेटवर्क के थ्रू कि कैसे हमें लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को मिल जाती है, ठीक है, जो आपको एग्जॉस्टिक नहीं रहता है, एकदम सिंपल हो जाता है थ्रू मैप, ठीक है। तो ये हो गए हमारे यूजेस कि मैप जो है हमेशा एक एग्जैक्ट कह सकते हैं आपको इंफॉर्मेशन देता है, परफेक्ट नॉलेज आप लोगों को मिलती है, एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे ये, और एक चीज और, आपको क्लाइमेट की जो नॉलेज है, आपको क्लाइमेट के बारे में भी अगर आपको टीचर का मान लीजिए आपका कोई टॉपिक है कि आपको क्लाइमेट से रिलेटेड आपका सब लेसन है, तो अगर आपको मैप के थ्रू आपकी टीचर आपको पढ़ाती है कि यहाँ पे वेदर कैसा है, इस स्टेट में कैसा है, तो वो आपको इंटरेस्टिंगली आप टीचर स्टूडेंट जो है सुनते हैं, समझते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स को भी इंटरेस्ट क्रिएट होता है। आगे है उसके कुछ एसेंशियल पॉइंट्स है, आप लोग कह सकते हैं कि कुछ यूजेस कह लो या फिर कुछ कि ऐसे पॉइंट्स जो सिलेक्ट की मैप को कैसे सिलेक्ट किया जाए, कुछ ऐसे सिलेक्शन कि आप लोग कैसे एसेंशियल पॉइंट्स रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ मैप कि मैप को कैसे सिलेक्ट करें, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ मैप, सिलेक्शन ऑफ मैप, हाउ टू सिलेक्ट अ मैप। नंबर वन इज सिचुएशन, सिचुएशन, सिचुएशन का मतलब क्या आ गया, मैप शुड बी फिक्स्ड वेयर ऑल द स्टूडेंट लुक एट इट इजली, एक आपको ऐसे जगह पे सिचुएट करना चाहिए मैप को, टीचर को, कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास में वो उनको एक कह सकते हैं कि डायरेक्टली उन्हें दिखे, कुछ भी ये ना हो कि उनकी आपने मैप ऐसी जगह डाल दिया कि एक साइड के स्टूडेंट्स को नीटली दिख रहा है, लास्ट में जो स्टूडेंट्स बैठे हैं या फिर कॉर्नर में जो स्टूडेंट्स बैठे हैं उनको कुछ भी उसमें मैप में समझ नहीं आया, तो ऐसी जगह सिचुएट, उसे जो सिचुएशन होती है उसकी मैप को ऐसी जगह रखना, फिक्स करना चाहिए जहां से सभी स्टूडेंट्स को क्लियरली मैप विजिबल हो। नेक्स्ट है एप्रोप्रिएट सिलेक्शन, एप्रोप्रिएट सिलेक्शन, एप्रोप्रिएट सिलेक्शन का मतलब क्या आ जाता है कि मैप शुड बी सिलेक्टेड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, कि जैसा सब्जेक्ट मैटर है उसी के अकॉर्डिंग जो है मैप आपका आप लोगों को टीचर को सिलेक्ट करना चाहिए कि मैप जो है फिजिकल मैप होना चाहिए, पॉलिटिकल हो, ज्योग्राफिकल हो या इकोनॉमिकल, जो भी है, जो सिचुएशन है, क्या आप पढ़ा रहे हैं, टीच कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है सिलेक्शन मैप की करनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मैट सरफेस, मैट सरफेस, जो सरफेस होना चाहिए मैट मैप का वो मैट होना चाहिए। कई बार क्या होता है कोई शाइनी सी पेपर पे मान लीजिए एक चार्ट मैप बना दिया है, ठीक है, वो शाइनी शाइन करा, मान लीजिए उस पर लाइट पड़ रही है, स्टार्टिंग में जो बच्चे बैठे हैं उनको तो दिख रहा है, बट क्लासरूम में लाइट्स की वजह से लाइट्स उसके ऊपर पड़ रही है तो सभी स्टूडेंट्स को वो नीटली नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो मैट सरफेस होना चाहिए जो इजली अगर लाइट्स कोई सी भी लाइट पड़े तो वो कह सकते हैं एकदम क्लियर विजिबल हो सभी स्टूडेंट्स को। उसके बाद आता है हमारा नॉट टू डिटेल्ड, नॉट
टू डिटेल, पूरा फुल्ली डिटेल में नहीं होना चाहिए, मेन पॉइंट्स या मेन ऑब्जेक्टिव उसका मैप में होना चाहिए। ये नहीं है कि उसी के बारे में पूरी की जैसे मान ली सॉइल्स के बारे में आपका मैप है तो ब्लैक सॉइल क्या होता है, उसके यूजेस क्या होते हैं, ये सब चीजें मैप में नहीं होनी चाहिए। सिर्फ ये बताना चाहिए ब्लैक सॉइल जो है कहाँ कहाँ कौन से एरियाज में होती है, ठीक है, ये रेड सॉइल है कहाँ कहाँ होती है, ठीक है, उसके यूजेस क्या है, मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स, ये सभी चीजें जो मैप में है आपके नहीं होने चाहिए, ठीक है। एकदम फुल डिटेल में मैप में इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो क्राउडेड हो जाएगा तो स्टूडेंट्स को समझने में भी दिक्कत होगी और जो मेन पॉइंट होगा या फिर जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा स्टूडेंट वो नहीं समझ पाएगा। नेक्स्ट है उसका सिलेक्शन, फिफ्थ पॉइंट इज सिलेक्शन। स्टूडेंट के कह सकते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे आप लोगों को बताया पहले भी कि स्टूडेंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उनके एबिलिटी के, उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको यूज करना चाहिए। कि अगर क्लास थर्ड के लिए या फोर्थ के लिए हमें हम यूज करें तो हमें एक अलग अलग स्टेट्स का कह सकते हैं उसको यूज करना चाहिए कि एक एक पर्टिकुलर स्टेट जो है स्टूडेंट्स को विजिबल हो, समझ आए कि ये जम्मू एंड कश्मीर यहाँ है, महाराष्ट्र यहाँ पे है, तमिलनाडु यहाँ है, केरला यहाँ है, ठीक है। तो उनको एक स्टूडेंट की एबिलिटी के ऊपर चेक करके उनके अकॉर्डिंग मैप में स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा लास्ट पॉइंट है नॉट टू मैनी कलर्स, नॉट टू मैनी कलर्स। कलरफुल मैप होता तो इजिली समझ आता है, ठीक है। जो मान लीजिए आप लोगों को ये पॉइंट अजीब लग रहा होगा कि बहुत सारे कलर नहीं होने चाहिए, ये मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि जो कलरफुल मैप होता है उसमें इजिली स्टूडेंट को पता चल जाता है ये पिंक वाला है जम्मू एंड कश्मीर है, ग्रीन वाला उत्तराखंड है, या फिर ये जो स्काई वाला है ये राजस्थान है। तो इससे क्या हो रहता है स्टूडेंट इजिली, लेकिन कई बार क्या होता है बहुत सारे सेम कलर, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, उससे लाइट ब्लू, ऐसे कलर यूज कर लिए जाते हैं मैप पे, स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है, कि ये कहाँ पे है, ये कहाँ है। तो ये डेजर्ट फाइंड करने में या फिर कुछ भी ऐसी चीज इम्पोर्टेंट, क्लाइमेट को चेक करने के लिए कि कहाँ कैसा क्लाइमेट है, कहाँ रेनी सीजन है, कहाँ ज्यादा होता है, कहाँ रेन ज्यादा होती है, कहाँ ज्यादा गर्मी होती है, तो ये डिफाइन करना स्टूडेंट्स के लिए कह सकते हैं आप लोग कि डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सिलेक्शन की, हाउ वी सिलेक्ट अ मैप, कि हमें मैप को कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, हमारा जो मैप है वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पॉइंट्स करे, इसके बाद हम लोग करेंगे हाउ वी प्रिपेयर अ मैप, प्रिपरेशन ऑफ मैप, प्रिपरेशन ऑफ मैप, कि मैप कैसा आप लोगों का होना चाहिए या फिर कैसे उसे प्रिपेयर करना चाहिए। नंबर वन इज टीचिंग, टीचिंग, टीचिंग में क्या आ जाता है हमारा इजली प्रिपेयर्ड बाय, कैसे उसे टीच किया जाए, कैसे उसे बनाया जाए, बाय ट्रेसिंग, ट्रेस करके आप लोग मैप को इजली बना सकते हैं, ठीक है। नंबर टू इज फ्री हैंड, फ्री हैंड, फ्री हैंड आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। मैप ये नहीं एकदम परफेक्ट होना चाहिए, बाकी फ्री हैंड भी आप लोग मैप को बना सकते हैं फ्री हैंड ड्राइंग के थ्रू, फ्री हैंड ड्राइंग। नेक्स्ट हमारा एटलस, आपके पास एटलस की बुक्स होती हैं, वो अवेलेबल होती है अकॉर्डिंग टू क्लास, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स की एज के अकॉर्डिंग, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग एटलस की बुक अवेलेबल रहती है, उनमें आप लोगों को मैप मिल जाता है, ठीक है। एंड ऑल्सो मैप्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ क्लॉथ, क्लॉथ्स के ऊपर भी, क्लॉथ्स के ऊपर भी मैप को ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्लाईवुड बोर्ड्स, प्लाईवुड बोर्ड्स जो होते हैं, प्लाईवुड बोर्ड्स, उसमें भी आप लोगों को मैप जो है बनाए जाते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं प्लाईवुड बोर्ड्स के ऊपर। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑन वॉल्स, प्रिपेयर ऑन वॉल्स, वॉल्स के ऊपर भी, दीवारों के ऊपर भी जो मैप होते हैं वो ड्रॉ किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। और सिक्स्थ वन इज इंक्रीजिंग द साइज, इंक्रीजिंग द साइज,
जो साइज रहता है आपका मैप का, उसे आप छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं थ्रू प्रोजेक्टर्स। ठीक है, मान लीजिए आपने कुछ रखा, उसके बाद आप प्रोजेक्टर के थ्रू उसमें उसको साइज को मैप के छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को समझाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ मैप, मैप को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को कोई डाउट या कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।